स्टूडेंट्स टूडे वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक डायजेशन इन ह्यूमन्स इसके पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते थे वो अपना फूड जो है अपनी सराउंडिंग में प्रेजेंट सिंपलर सब्सटेंसेस को कंबाइन करके बनाते थे जिस प्रोसेस को हम बोलते थे फोटोसिंथेसिस। बट जो ह्यूमन्स होते हैं उनमें क्या होता है वे अपना भोजन प्लांट से इंटेक करते हैं या फिर उन एनिमल्स से जो कि प्लांट को इनटेक करते हैं यानी कि जो भी फूड हम लेते हैं वो किस फॉर्म में ले रहे हैं इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्योंकि जब प्लांट्स ने फूड प्रिपेयर किया तो सिंपलर सब्सटेंसेस को कंबाइन करके उसने क्या बनाया कार्बोहाइड्रेट दैट इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बट we cannot absorb it into its complex form so a process takes place in our body which breaks down the these complex substances into simpler ones this process is called digestion the breakdown of complex components of food into simpler substances is called डायजेशन इन ह्यूम डायजेशन इज अ फाइव स्टेप प्रोसेस इंजेशन फर्स्ट प्रोसेस आपका है इंजेशन प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन टू द बॉडी शरीर के अंदर भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं इंजेशन सेकेंड वन इज डाइजेशन सेकेंड वन इज डाइजेशन प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इन टू सिंपलर सब्सटेंसेस प्रक्रिया जिसमें क्या होता है ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स जो जटिल अवयव होते हैं भोजन में मौजूद उनको तोड़ा जाता है ठीक है तोड़ दिया जाता है उनके सिंपलर सब्सटेंसेस मींस सरल पदार्थों में नाउ थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन प्रोसेस ऑफ पासिंग डाइजेस्टेड फूड इन टू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन प्रक्रिया जिसमें क्या होता है जो फूड हमारे द्वारा डाइजेस्ट कर लिया गया है वो अब कहा जाता है ब्लड वेसल्स में जो कि प्रेजेंट होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में उसी प्रक्रिया को क्या बोल दिया जाता है एब्जॉर्प्शन नेक्स्ट वन इज एसी मिलेशन प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन टू द सेल्स ऑफ बॉडी वेर दे आर यूज प्रक्रिया जिसमें जो डाइजेस्टेड फूड है उनका मूवमेंट होगा गति होगी और वो कहां जाएंगे अब सेल्स के पास यानी कोशिकाओं के पास जहां पर उनका उपयोग कर लिया जाएगा इसी प्रक्रिया को बोलते हैं एसी मिलेशन नेक्स्ट वन इज इजेशन प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडेस्टेड फूड एज फीकल थ्रू एनस। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको शरीर से एनस के थ्रू बाहर निकाल देने की प्रक्रिया को ही क्या बोला जाता है इजेशन इन ह्यूमंस फॉर द डाइजेशन फूड पासिस थ्रू अ कॉन्टिन्यूस कैनाल विच बिगिनस एट द बक्कल कैविटी एंड इंड्स एट द एनस दिस कैनाल इज कार्ड एलिमेंट्री कैनाल ह्यूमंस में डाइजेशन के लिए भोजन को कॉन्टिन्यूस कैनाल से होकर गुजरना होता है जो कि स्टार्ट होती है बक्कल कैविटी से और खत्म होती है एनस पे इसी कैनाल को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं यानी कि आहार नाल या फिर पाचन नली इट इज डिवाइडेड इनटू स कंपार्टमेंट्स ये जो है कई भागों में बटी हुई है पहला है जिसमें से बक्कल कैविटी सेकेंड वन इज एसोफेगस थर्ड इज स्टमक फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन फिफ्थ लार्ज इंटेस्टाइन एंड सिक्स वन इज एनस नाउ डिस्कस वन बाय वन नाउ बक्कल कैविटी दिस इज आल्सो कॉल्ड ओरल कैविटी द कैटी प्रजेंट इन साइड द माउथ बेटवीन चीक्स एंड जाज जा्ड बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी जो हमारे माउथ के अंदर स्पेस होता है खाली स्थान होता है हमारे चीक्स और जाज के बीच में उसे हम क्या बोलते हैं बक्कल कैविटी या फिर ओरल कैविटी पार्ट्स प्रेजेंट इन द दक्कल कैविटी बक्कल कैविटी में जो पार्ट्स आपके मौजूद होते हैं वो हैं टीथ टंग एंड सेलेब्री ग्लैंड नाउ डिस्कस दीज इन डिटेल्स। टीथ कैल्सीफाइड स्ट्रक्चर प्रजेंट इन आवर माउथ टू च्यू द फूड एंड ब्रेक डाउन इट मैकेनिकली इन टू स्मॉल पीसेस इज कार्ड टीथ हमारे मुंह के अंदर कैल्शियम से बना हुआ जो ढांचा होता है जिसका जिसके थ्रू हम भोजन को चबाते हैं और उसको यांत्रिक रूप से ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉल पीसेस में छोटे छोटे टुकड़ों में उसे ही हम क्या बोलते हैं टीथ यानी हमारे दांत। अकॉर्डिंग टू द सेट्स ऑफ टीथ देयर इज टू टाइप्स ऑफ टीथ हमारे दांतों के सेट के आधार पे जो दांत होते हैं वो दो टाइप के होते हैं जब हम छोटे होते हैं यानी हमारे इन्फेंसी एज में क्या होता है मिल्क टीथ फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोस ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन सिक्स टू एट जो पहला सेट होता है हमारे टीथ का जो कि हमारे बचपन में ही ग्रो करता है निकलता है और जो कि छः से आठ साल की उम्र के बीच में गिर जाता है उसे हम क्या बोलते हैं मिल्क टीथ यानी दूध के दांत। परमानेंट टीथ सेकेंड सेट ऑफ टीथ दैट रिप्लेसेस मिल्क टीथ जो दूसरा सेट होता है जो कि जो हमारा मिल्क टीथ होता है उसको उसके गिरने के बाद ग्रो करता है उसी को हम क्या बोलते हैं परमानेंट टीथ now types of teeth according to its structure and function teeth there is four types of teeth first frontal four teeth are called incisor and just next to the incisor both side one one teeth present called canine after that, premolars, just next to the canine. These are two two teeth in each side. And after that, molar. These are three three in each side. This is the arrangement of teeth and different types of teeth. Now, now incisors. फोर फ्रंटल चीजल सेब टीथ यूज फॉर कटिंग एंड बाइटिंग आर कार्ड इंसीजर सामने के जो दांत होते हैं बिल्कुल छेनी के जैसे जिनका आकार होता है काटने और चुभाने के लिए उन्हें हम क्या बोलते हैं इंसीजर्स नाव केनाइन द टू पॉइंटेड टीथ नेक्स्ट टू द इंसीजर विच इज यूज फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग आर कार्ड कैनाइन जस्ट इंसीजर के बाद जो आपके टीथ होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं इंसीजर्स और इनका प्रयोग होता है पियर्सिंग एंड टीयरिंग का मीन्स चीरने और फाड़ने के लिए प्रीमोलर्स, द टीथ प्रेजेंट इन बिटवीन केनाइन एंड मोलर केनाइन एंड मोलर के बीच में जो टीथ प्रेजेंट होता है उसी को क्या बोलते हैं प्री मोलर टू टीथ प्रेजेंट इन ईच साइड दो दांत जो है वो दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं मींस दो इधर होंगे और दो इधर होंगे एंड इन ईच जा यानी दो इसमें दो चार एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट जा फोर मींस एट टीथ दिस इज कार्ड प्रीमोलर प्री मोलर्स आर यूज फॉर चीविंग एंड ग्रैंडिंग चबाने और पीसने के लिए प्रयोग किए जाते हैं नाउ मोलर्स नाउ मोलर द फ्लैट सरफेस टूथ प्रजेंट बिहाइंड द प्री मोलर विच हेल्प इन चीविंग एंड ग्रैंडिंग आर कार्ड मोलर प्री मोलर के पीछे जो समतल सतह वाले दांत पाए जाते हैं जिन जो कि चबाने और पीसने में मदद करते हैं फूड को उन्हीं को हम क्या बोलते हैं मोलर दाढ़ जिसे कहा जाता है ठीक है और प्री मोलर्स को अग्र दाढ़ बोलते हैं टूथ डिके टूथ डिके मीन्स दांतों का क्षय होना या फिर दांतों का खराब होना क्यों होते हैं ड्यू टू लेफ्ट ओवर फूड इन द माउथ इफ नॉट क्लींड ब्रीड हार्मफुल बैक्टीरिया विच ब्रेक डाउन शुगर प्रजेंट इन द फूड एंड रिलीज एसिड्स विच ग्रेजुअली डैमेज द टीथ जो बचा हुआ भोजन हमारे दांतों में रह जाता है वो जन्म देता है नुकसानदेह बैक्टीरियाज को जो कि बैक्टीरिया क्या करते हैं उस फूड को ब्रेक डाउन करते हैं और रिलीज करते हैं एसिड्स को जो कि धीरे धीरे हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं इसी को कहते हैं टूथ डिके यानी दंत छ नाउ दांतों के खराब होने के लिए मुख्यतः जो मुख्य कारण हैं वो हैं आपके सुगर से बने हुए प्रोडक्ट्स लाइक सॉफ्ट ड्रिंक्स चॉकलेट्स स्वीट्स एंड अदर थिंग्स नाव हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम टूथ डिके सो प्रिवेंशन फ्रॉम टूथ डिके फर्स्ट वी शुड क्लीन द टीथ विद अ ब्रश और दातून हमें चाहिए कि हम अपने दांतों को ब्रश या फिर दातून से साफ़ करें एंड डेंटल फ्लॉस ये स्पेशल टाइप का एक धागा होता है जिसके थ्रू हम टीथ के बीच के स्पेस को साफ़ करते हैं और जो भी उसमें फूड फंसा होता है उसे बाहर निकालते हैं नौ रेज द माउथ आफ्टर एवरी मील हम जब भी भोजन करें हमें चाहिए कि हम अपने मुंह को धुलें वी शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर और एनी अनवास्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ हमें कोई भी चीज़ चाहे वो हमारा हाथ ही क्यों ना हो बिना धुले बिना साफ किए अपने मुंह में नहीं डालना चाहिए तो ये इन सारी चीज़ों को करके हम अपने दांतों को खराब होने से बचा सकते हैं डिस्कस डेंटल फार्मूला अगर हम देखेंगे तो जो हमारा जा होता है उसको अगर हम हाफ पोर्शन में डिवाइड कर दें तो जो हमारा डेंटल फार्मूला होगा वो कुछ इस तरीके से होगा देखेंगे जो हमारे चीज़ल टीथ होते थे तो दो इधर और दो इधर फ्रंट पे फोर ही होते हैं इसलिए ये क्या हो जाएगा और नेक्स्ट टू द इंसीजर क्या होता है हमारा केनाइन जो कि वन होता है ठीक है ना वन साइड में तो ये हो जाएगा आपका वन और प्रीमोलर प्रीमोलर कितने होंगे एक साइड की अगर हम बात करें तो टू एंड मोलर मोलर कितने हो गए वन टू थ्री कितने हो गए थ्री ये आपका डेंटल फार्मूला है ठीक है यह आपका हाफ पोर्शन ऑफ बोथ जा बोथ जा क्लियर हमारे दोनों जाज में मीन्स अपर एंड लोअर दोनों जहाज को अगर हम मिलाएंगे तो ये हमारा एक साइड का क्या हो गया डेंटल फार्मूला अगर हमें पूरे टीथ का निकालना है तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई टू तो क्या हो जाएगा सिक्सटीन सिक्सटीन एंड जब टोटल करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा थर्टी टू क्लियर दिस इज द डेंटल फार्मूला टू वन टू थ्री टू वन टू थ्री अपर जा लोअर जा हाफ पोर्शन ठीक है और जब हमने मल्टीप्लाई बाई टू कर दिया तो ये हमारा कंप्लीट पोर्शन आ गया ये आपका अपर जा अपर एंड दिस इज दिस वन इज लोअर ठीक है दिस इज कार्ड डेंटल फार्मूला तो डेंटल फार्मूले की मदद से आप क्या कर सकते हैं आप टीथ के नंबर्स को बता सकते हैं मान लीजिए आपने टू वन टू थ्री मीन्स इंसीजर केनाइन नाइन प्रीमोलर एंड मोलर को लिया हुआ है और आपसे पूछा जाए कि इंसीजर की इंसीजर uh, माउथ में आपके कितने हैं तो आप सिंपली क्या करेंगे यहां पे मल्टीप्लाई बाई टू किया था सिंपल अब आप, आप क्या करिए टू टू जा फोर आपस में इनको मल्टीप्लाई कर दिया यानी जो हम देख रहे थे उससे हमें चार चैंबर्स मिल रहे थे मीन्स अगर ऊपर नीचे डिवाइड करें तो दो पार्ट ये ऊपर भी दो पार्ट होंगे तो मीन्स ये होगा चार तो इनको हम मल्टीप्लाई बाई फोर कर देंगे तो हमारे नंबर्स आ जाएंगे देखिए फोर टू जा एट फोर वन जा फोर फोर टू जा एट एंड फोर थ्री जा ट्वेल्व ठीक है अब इनको टोटल कर दीजिए थर्टी टू क्लियर दिस इज डेंटल फार्मूला ओके नाउ कम टू आवर नेक्स्ट यूजेस ऑफ डिफरेंट टीथ फर्स्ट इन कटिंग एंड बाइटिंग काटने और धंसाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं इंसीजर्स का केनाइन केनाइन का प्रयोग हम करते हैं पियर्सिंग एंड टियरिंग मीन्स चीरने और फाड़ने के लिए प्री मोलर्स और मोलर का प्रयोग हम लोग करते हैं चीविंग एंड ग्राइंडिंग चबाने और पीसने के लिए तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ के यूजेस थे नाउ कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक टंग फ्लेसी मस्कुलर ऑर्गन अटैच एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैप्टी फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी moved इन आल डायरेक्शन हमारी जो जीभ होती है ये मांसल पेशीय अंग है जो कि जुड़ी होती है कहाँ से पीछे से हमारे जो बक्कल कैप्टी का क्या है नीचे का पोर्शन होता है यानी हमारे लोअर से अटैच्ड होती है और फ्रंट पे ये बिल्कुल फ्री होती है किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए नाउ यूजेज ऑफ टंग इट इज यूज फॉर टाकिंग ये बात करने के लिए प्रयोग होती है इट मिक्सेस सेलाइबा विद द फूड ड्यूरिंग चिविंग जब हम भोजन को चबा रहे होते हैं उस समय ये सेलाइबा को मिक्स करने का, का काम करती है इट आल्सो हेल्प इन सोलोइंग द फूड और ये हमें फूड को निगलने में भी मदद करती है इट आल्सो गिव्स द टेस्ट ऑफ फूड ड्यू टू टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट इन इट इसी की वजह से हमें विभिन्न प्रकार के टेस्ट मिल पाते हैं क्योंकि इनमें क्या होता है टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं जिसके माध्यम से हम विभिन्न भोजनों के स्वाद को महसूस कर सकते हैं नाउ कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक नाउ रीजन्स ऑफ टंग फॉर डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स दिस इज द रीजन ऑफ द टंग फॉर डिफरेंट टेस्ट इन बैक देयर इज बेटर टेस्ट मीन्स जो हमें कड़वा या तीखा स्वाद महसूस होता है वो कहां महसूस होता है टंग के पीछे के हिस्से में फ्रंट फ्रंट के हिस्से में हमें स्वीट बर्ड्स होती हैं, जिससे हमें जितनी भी हम मीठी चीजें खाते हैं उनका स्वाद हमें फ्रंट पे पता चलता है टंग का जो फ्रंट का हिस्सा होता है वहां पे हमें मीठी चीजों का स्वाद पता चलता है यानी स्वीट बर्ड्स जो है पाई जाती हैं बिल्कुल फ्रंट पे ही टंग के मिडिल फ्रंट मिडिल फ्रंट पे आपको साल्टी टेस्ट आता है यानी जो भी नमकीन वगैरह आप खाते हैं वो सब टेस्ट कहाँ मिलता है आपको साल्टी चीजों का टेस्ट मिलता है मिडिल फ्रंट पे एंड मिडिल बैक सो so टेस्ट जो भी खट्टी चीजों का स्वाद आपको मिलता है वो कहां मिलता है मिडिल बैक में ठीक है खट्टी चीजों का स्वाद आपको टंग के मिडिल बैक में मिलता है तो ये डिफरेंट रीजनस हैं जहां पर डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स पाए जाते हैं फॉर डिफरेंट टेस्ट क्लियर नाउ कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक सेलेबरी ग्लैंड द ग्लैंड प्रेजेंट इन बक्कल कैविटी विच सेक्रीड सेलाइवा आर कार्ड सेलेबरी ग्लैंड जो सेलेब्रिक ग्लैंड होती है वो सेलाइवा को सेक्रेट करती है वाट इज सेलाइवा? द वाटरली लिक्विड प्रजेंट इन साइड द माउथ सेक्रेटेड बाई सेलेब्रिक ग्लैंड सेलेब्रिक ग्लैंड के द्वारा जो बिल्कुल पानी के जैसा तरल होता है उसी को क्या बोलते हैं सेलाइवा ठीक है फंक्शन ऑफ सेलाइवा इट हेल्प्स इन स्वेलोइंग फूड एज अ लुब्रिकेंट ये हमें भोजन को निगलने में हेल्प करती है बाय उसको थोड़ी चिकनाई प्रदान करती है भोजन को जिससे कि वह हम अच्छे से उसको निगल सकें इट ब्रेक डाउन द स्टार्च इन शुगर और ये क्या काम करती है स्टार्च को डाउन यानि कि तोड़ने का काम करती है किसमें शुगर्स में इसके लिए इसमें एंजाइम पाया जाता है जिसे हम कहते हैं एमाइलेज उसे हम टाइलिन भी कहते हैं ठीक है इसी के द्वारा स्टार्च को ब्रेक कर दिया जाता है इनटू सिंपल सुगर्स क्लियर इसे चेक करने के लिए आप दो टेस्ट ट्यूब लीजिए एक में आप जो राइस होती है उसको चबाकर इसके बाद उसे उसमें डालिए और दूसरे में राइस को ऐसे ही डाल दीजिए और दोनों में फिर स्टार्च टेस्ट कीजिए मींस कि उसमें आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करिए फिर देखिए कि उनमें से किसमें आपको कलर चेंज मिलते हैं जिसमें भी ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा यानी कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है बट इफ स्टार्च का क्या होगा डाइजेशन हो चुका होगा सुगर्स में तो वो क्या होगा स्टार्च टेस्ट नहीं देगा यानी कि जो आपने क्या किया था च्यू करके उसके बाद टेस्ट किया है उसमें आपको स्टार्ज टेस्ट नहीं मिलेगा यू मे चेक नाउ द फूड पाइप ओसो फेगस जो हमारी भोजन नली होती है उसी को हम क्या बोलते हैं वेसो फेगस द ट्यूब थ्रू विच फूड पासिस फ्रॉम आवर माउथ टू द स्टमक स्कार्ड ओसोफेगस वो नली जिसके द्वारा हमारा भोजन हमारे मुंह से हमारे स्टमक तक जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं फूड गोज डाउन थ्रू आउट एलिमेंट्री कैनाल बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल दिस मूवमेंट इज कार्ड पैरिस्टाइल्टिक मूवमेंट हमारा जो भोजन होता है वो हमारे आहार नाल में उसकी वॉल्स मतलब जो क्या होती हैं दीवारें होती हैं उनके द्वारा एक मूवमेंट किया जाता है जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट जिसके थ्रू भोजन क्या होता है वो पास आउट होता है क्लियर नीचे की तरफ जाता है स्टूडेंट्स हमारे ओसोफेगस से ही अटैच्ड हमारा ट्रैकिया होता है जिसे हम विंड पाइप बोलते हैं ठीक है थीके? तो हमारे खाने और सांस लेने का जो पैसेज होता है वो लगभग एक दूसरे से अटैच होता है या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि बिल्कुल सेम पैसेज होता है ठीक है तो जब भी हम भोजन करते हैं तो वो भोजन क्यों नहीं हमारे आ, लंग्स में चला जाता है वो इसलिए नहीं जा पाता है क्योंकि यहां पे एक मस्कुलर से स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोलते हैं ईपी ग्लोटिस ईपी जो ईपी होता है ये क्या करता है ईपी ये जो आपकी विंड पाइप होती है इसको चोक कर देता है जिससे कि क्या होता है आपका फूड आसानी से ओसोफेगस से पास हो जाता है और आपके विंड पाइप में यानी ट्रैकििया में नहीं जाता क्या होता है जब कभी आप खाते टाइम बोल रहे होते हैं या हंस रहे होते हैं या बातें कर रहे होते हैं उस टाइम पे भोजन जो है वो आपकी आ, ट्रैकिया में चला जाता है यानी विंड पाइप में तो उस टाइम पे आपको फिर छींक आने लगती है और खांसी आने लगती है हीकप्स हिचकी आने लगती है आपको और चोकिंग सेंसेशन में महसूस होने लगता है मीन्स उलझन होने लगती है तो उसके पीछे का जो रीज़न है वो यही है कि जो पैसेज होता है आपका फूड और एयर का वो लगभग जो है एडजस्टेंट होता है लगभग एक दूसरे का सेम ही है बट वहां पे आपको एक क्या होती है मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसे ईपी ग्लोटिस बोलते हैं जनरली जब भी आप फूड ईट करते हैं तो वो क्या करता है आपकी फूड पाइप को लॉक कर देता है जैसे कि आपका फूड अच्छे से आपके स्टमक में पहुंच जाए ठीक है नाउ कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो फूड हमने इनटेक किया है वो हमारी बॉडी यानी हमारे जो स्टमक है उसके द्वारा नहीं लिया जाता है तो वो फूड वोमिट कर दिया जाता है तो उसमें कंडीशन ये बनती है कि हमारी बॉडी के द्वारा जो पेरिस्टाइल्ट मूवमेंट हो रहा था अब ऐसा क्या हुआ कि वो जो है जो फूड गया था उसके उसको अपोज करते हुए अब हमारे माउथ से वो बाहर आ रहा है तो यानी कि अब जो वहाँ पे मूवमेंट लग रही है उसको बोलेंगे एंटी पेरिस्टाइल्टिक मूवमेंट जिसकी वजह से क्या होता है जो फूड हमारी आ, हमारा स्टमक एक्सेप्ट नहीं करता है वो हम वोमिट आउट कर देते हैं क्लियर नाउ कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक स्टमक इट इज अ थिक वर्ड बैग ये जो है थिक वर्ड बैग होता है थैली होती है ठीक है इट्स सेप इज लाइक अ फ्लैटेंड यू और जो इसका आकार होता है वो चपटे यू की तरह से होता है इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल ये आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है एट इट्स वन एंड इट गेट्स फूड फ्रॉम ओसोफेगस इसका जो एक सिरा होता है वो भोजन प्राप्त करता है ओसोफेगस से एट इट्स अदर एंड ओपन्स इन टू स्मॉल इंटेस्टाइन और इसका जो दूसरा सिरा होता है ये ओपन होता है इस्माल इंटेस्टाइन में इट्स इनर लाइनिंग सक्रीट्स म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस जो इसकी अंदरूनी परत होती है वो सक्रीट करती है म्यूकस को हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और डाइजेस्टिव जूसेस को म्यूकस प्रोटेक्ट्स स्टमक लाइनिंग जो म्यूकस होता है वो स्टमक की परतों को क्या करता है बचाता है सेफ रखता है एस से ठीक है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड एस सी एल किल्स बैक्टीरिया दैट इंटर्स अलोंग द फूड भोजन के साथ साथ जो बैक्टीरिया एंटर करते हैं उनको स्टमक में ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड के थ्रू मार दिया जाता है किल कर दिया जाता है एंड आल्सो इट मेक्स द मीडियम एसिडिक और ये मीडियम जो होता है वहाँ का उसको एसिडिक बना देता है ठीक है जिसकी वजह से हेल्प मिलती है डाइजेस्टिव जूसेस को फूड पे एक्ट करने के लिए डाइजेस्टिव जूसेस जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो क्या करते हैं ब्रेक डाउन प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो प्रोटीन्स को उनके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ठीक है वर्किंग ऑफ स्टमक इसकी डिस्कवरी 1822 में हुई जिसमें एक चकित कर देने वाली दुर्घटना हुई जिसमें एक व्यक्ति था एलेक्सिस सेंट मार्टिन उसको शॉर्ट गन से गोली लगी वो गोली उसके सीने से होते हुए उसके स्टमक में जा लगी और उसके स्टमक में घाव हो गया और वहाँ पर एक होल बन गया जिसे आर्मी के डॉक्टर विलियम बी माउंट ने देखा और उसकी सर्जरी की बट वो उसको पूरी तरीके से ढक नहीं पाए थे तो उन्हें स्टमक को करीब से देखने का मौका मिला जिसमें उन्होंने देखा कि स्टमक में चर्निंग प्रोसेस हो रही थी यानी स्टमक मथ रहा था भोजन को और उसमें से एक तरल पदार्थ निकल रहा था उस स्टमक की वाल से जो कि उस भोजन को पचाने में सक्षम था और उन्होंने ये भी देखा कि जब वो भोजन स्टमक में पच जाता है उसके बाद ही वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो ये ऑल अबाउट था वर्किंग ऑफ स्टमक के बारे में स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज़ हाईली क्वाइड, ये बहुत ही ज़्यादा कुंडलित होती है यानी बहुत ही ज़्यादा मुड़ी हुई होती है इट इज़ अबाउट सेवन पॉइंट फाइव मीटर्स लॉन्ग और इसकी जो लंबाई होती है लगभग सेवन पॉइंट फाइव मीटर्स होती है इट रिसीव्स सेक्रीशंस फ्रॉम द लीवर एंड द पेंक्रिया और ये सेक्रीशंस प्राप्त करती है लीवर और पेंक्रिया से इट्स वॉल आल्सो सेक्रेट जूसेस और इसकी जो वॉल होती है दीवारें होती हैं या परतें होती हैं वो भी क्या करती हैं जूसेस को सेक्रेट करती हैं लीवर इट इज अ रेडिस ब्राउन ग्लैंड एंड आल्सो लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी जो लीवर होता है इसकी ये रेडिस ब्राउन कलर का ग्लैंड होता है और सबसे बड़ी ग्लैंड होती है ये बॉडी की हुच सेक्रीट बाइल जूस और जो क्या सेक्रेट करती है बाइल जूस बाइल जूस को सेक्रेट कौन करता है लीवर यानी जो प्रोडक्शन हो रहा है बाइल जूस का वो कहां हो रहा है लीवर में दैट इज स्टोर्ड इन गाल ब्लैडर प्रोडक्शन कहां हो रहा है लीवर में बट ये स्टोर कहां होती है गाल ब्लैडर में यानी अगर आपसे पूछा जाए कि बाइल जूस कौन सेक्रेट करता है तो आप कहेंगे लीवर बट अगर आपसे पूछा जाए वेयर बाइल जूस इज स्टोर्ड देन गाल ब्लैडर गाल ब्लैडर पित्ता से अ स्मॉल सैक इन विच बाइल इज स्टोर टेम्परली बिफोर सेक्रेटेड इन इंटरस्टाइन इज कॉल्ड गाल ब्लैडर जो गाल ब्लैडर होता है ये छोटी सी थैली के तरीके से होता है छोटी थैली के तरीके से जिसमें आपका बाइल स्टोर होता है ठीक है बाइल मीन्स पित्त पित्त जो है वो स्टोर होता है स्मॉल सैक यानी छोटी सी थैली में अस्थाई रूप से टेम्परली बिफोर सेक्रेटेड इन इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन में सेक्रेट होने से पहले तक वो कहाँ अस्थाई रूप से स्टोर होता है गाल ब्लैडर में ठीक है नाउ बाइल पित द ग्रीनिश ब्राउन लिक्विड विद अ बिटर अनप्लीजेंट टेस्ट विच इज सेक्रेटेड बाई लीवर इस कार्ड बाइल बाइल क्या है ये ग्रीनिश ब्राउन कलर का लिक्विड है तरल है विद ए बिटर अनप्लीजेंट टेस्ट मीन्स बिटर मींस कड़ुआ कड़ुआ अनप्लीजेंट बिल्कुल ही अच्छा नहीं होता टेस्ट में जो कि सेक्रेट किया जाता है लीवर के द्वारा इसी को बोलते हैं आप बाइल यानी पित्त द बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स बाइल जो है वो फैट के डाइजेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है यानी कि फैट डाइजेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है बाइल जूस बाइल ही जो है फैट डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है पैंक्रियाज द क्रीम कलर्ड ग्लैंड दैट सेक्रेट्स डाइजेस्टिव जूसेस विच हेल्प इन डाइजेशन एंड आल्सो सेक्रेट्स ए हार्मोन इंसुलिन विच रेगुलेट्स द लेवल ऑफ ब्लड शुगर इस कार्ड पैंक्रियाज जो पैंक्रियाज होता है ये क्रीम कलर की ग्लैंड होती है जो कि सेक्रेट करती है डाइजेस्टिव जूसेस को जो कि हेल्प करते हैं डाइजेशन में और ये सेक्रेट करती है एक हार्मोन जिसका नाम है इंसुलिन जो कि ब्लड में शुगर के लेवल को बनाए रखती है उसको कंट्रोल करने का काम करती है द पेंक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंजेस दैम इन टू सिंपलर फॉर्म्स जो पैंक्रियाटिक जूस होता है वो कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन पर एक्ट करके उसको कन्वर्ट कर देता है सिंपलर फॉर्म्स में नाउ द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड रीचेज इन द लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर Intestinal juice broken down carbohydrates into its simple sugars, fats into fatty acids and glycerol, and proteins into amino acids. Fatty acids, the acid produced by the breakdown of fats, is termed as fatty acids. फैट के ब्रेकडाउन होने के बाद यानि कि जो सिंपल फॉर्म ऑफ है फैटी एसिड कहलाता है फैट्स का ठीक है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फैट्स इज कार्ड फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल ए क्लियर स्वीट टेस्टिंग ये क्या होता है बहुत ही क्लियर यानी साफ होता है और स्वीट टेस्टिंग इसका जो टेस्ट होता है वो मीठा होता है और गाढ़े रंग का तरल होता है जो कि हमें प्राप्त होता है जानवरों से मिलने वाले फैट और ऑयल से उसी को हम बोलते हैं ग्लिसरॉल ये जो फैट्स होते हैं इनको हम लिपिड्स भी कहते हैं एमिनो एसिड्स द एसिड प्रोड्यूस्ड आफ्टर ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन इज कार्ड एमिनो एसिड यानी द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन इज कार्ड एमिनो एसिड्स absorption in small intestine now the digested food get passes into blood vessels through the walls of small intestine this process is called absorption for absorption in small intestine there is a finger like projections called villi that is द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउट ग्रोथ दीज आर कार्ड विलाई जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल होती है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं विलाई विलाई इज द प्लूरल फॉर्म विलाई इंक्रीजेज द सर्फेस एरिया फॉर एब्सॉर्ब्शन ऑफ द डायजेस्टेड फूड डायजेस्टेड फूड को एब्सॉर्ब करने के लिए उसकी सर्फेस एरिया को इंक्रीज करने का काम विलाई करता है ठीक है ईच विलस हैज अटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सर्फेस विलस इज अ सिंगुलर फॉर्म जो विलस होते हैं वो पतले पतले नेटवर्क से ब्लड वेसल्स के अटैच होते हैं जो कि उनके ठीक सरफेस से जुड़े होते हैं नाउ द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड वेसल्स टू द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज्ड टू बुल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द body this process is called assimilation in the cells glucose is breakdown by the help of oxygen into carbon dioxide and water and energy is released now the food that remains undigested and unabsorbed enters इंटू लार्ज इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आँत द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारी बड़ी आँत होती है ये छोटी आँत से चौड़ी होती है और छोटी होती है इट इज़ अबाउट 1.5 पॉइंट फाइव मीटर इन लेंथ इसकी जो लंबाई होती है वो डेढ़ मीटर होती है इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम साल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टिड फूड मटेरियल जो अनडाइजेस्टिड फूड मटेरियल है उसमें से यह क्या करता है वाटर और साल्ट को एब्जॉर्ब करने का काम कौन कर रहा है लार्ज इंटेस्टाइन नाउ द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इन टू द रेक्टम एंड रिमेन्स देअर एज सेमी सॉलिड फेसेस अब क्या होगा जो वेस्ट है हमारा वो कहाँ चला जाएगा रेक्टम में और वहीं पर रहेगा किस रूप में सेमी सॉलिड फेसेस के रूप में ठीक है द फेकल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम दिस इज कार्ड इजेशन और समय समय पर फीकल को एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है उसी प्रक्रिया को बोला जाता है इजेशन डाइजेस्टिव सिस्टम द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड टूगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारी आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल होती है और उससे रिलेटेड जो भी एसोसिएटेड ग्लैंड होते हैं ये साथ मिलकर क्या बनाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स पाचन तंत्र स्टूडेंट्स लेट्स डिस्कस डायजेसन इन ह्यूमन्स बाय द हेल्प ऑफ डायाग्राम जैसा कि मैंने आपको बताया कि ह्यूमन में जो डाइजेशन होता है वो फाइव स्टेप प्रोसेस होता है फर्स्ट आपका क्या होता है इंजेशन इनजेशन सेकेंड वन इज डाइजेशन डाइजेशन थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन। ऑप्शन फोर्थ वन इज एसी एसी मिलेशन एंड फिफ्थ वन इज इजेशन ये हमारी डाइजेशन प्रोसेस है तो इंजेशन क्या है द इनटेक ऑफ फूड बाय द हेल्प ऑफ माउथ इनसाइड द बॉडी इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते थे इंजेशन इसी को हम बोलते हैं इंजेशन माउथ में हमने टीथ के बारे में पढ़ा था और माउथ के अंदर का जो एरिया होता है यानी हमारे चीक्स और जहाज के बीच का जो एरिया होता है उसे हम बोलते हैं बक्कल कैविटी बक्कल कैविटी के जस्ट थोड़ा सा नीचे आपको क्या होगा मिलेगा सेलेब्री ग्लैंड सेलेब्री ग्लैंड मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है क्या होता है कि सेलेब्री ग्लैंड सेक्रेट्स द सलाइवा सेलाइवा का वर्क हम आपको बता चुके हैं कि जब हम फूड को इंटेक करते हैं तो फूड में प्रेजेंट स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है सेलाइवा सेलाइवा में एक एंजाइम पाया जाता है दैट इज एमाइलेज या उसे टाइलिन भी बोलते हैं जो कि क्या करता है स्टार्च का ब्रेकडाउन करता है इनटू सुगर्स या सिंपल ग्लूकोज में ठीक है इसके बाद फूड पहुंचता है स्टमक में बट द कैनाल विच पासिस फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक इज कार्ड ओसोफेगस उसको क्या बोलते हैं ओसोफेगस दिस इज द ओसोफेगस से जस्ट एडजेसेंट आपकी क्या होती है वेंट पाइप यानी ट्रैकिया और जो इन लोगों का ओपनिंग होता है एंट्री पॉइंट होता है वो लगभग एडजस्टेंट होने के कारण सेम होता है यानि आपकी जो फूड पाइप है और ओसोफेगस और, और विंड पाइप ट्रैकिया दोनों लगभग सेम पैसेज यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि जब आप फूड इनटेक करते हैं तो वो फूड जब आपके ओएसोफेगस में आ रहा होता है तो यहाँ पर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं ईपीग्लॉटिस जो कि आपके ट्रैकिया को लॉक कर देता है जिससे कि फूड ईजिली कहाँ पे आ सकता है स्टमक में फूड को स्टमक में आने के लिए जो कैनाल की वॉल्स होती हैं उसमें एक मूवमेंट होता है जिसे बोलते हैं हम पैरिस्टैल्टिक मूवमेंट कभी कभी क्या होता है जो फूड हमारे स्टमक के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है उसे हम वोमिट कर देते हैं बट यहां पे क्वेश्चन ये एराइज होता है कि जब यहाँ पे पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट के थ्रू वो फूड नीचे जा रहा था तो अब वो कैसे बाहर आता है तो वहां पे एंटी पेरेस्टेल्टिक मूवमेंट होती है जिसके कारण क्या होता है फूड आपका बाहर आ जाता है इसके बाद जब फूड आपका स्टमक में आता है तो स्टमक में क्या होगा स्टमक में सेक्रेशन होगा स्टमक में प्रेजेंट होता है म्यूकस एसीएल और डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं ठीक है जो आपका म्यूकस होता है वो आपके स्टमक के वॉल्स को SEL से सेफ से रखता है ठीक है और जो एसीएल होती है वो फूड के साथ जो बैक्टीरिया स्टमक में आते हैं उनको किल करता है और अंदर का स्टमक का जो मीडियम है उसको वो एसिडिक बना देता है जिससे डाइजेस्टिव जूसेस उस पर अच्छे से एक्ट कर सकें ठीक है इसके बाद फूड आएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड कहाँ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे सबसे बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है आपकी लीवर लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल लीवर को बनाता है लीवर बनाता है बाइल जो कि स्टोर होता है गाल ब्लेडर में लीवर बनाता है बाइल जो कि स्टोर होता है गाल ब्लेडर में और वहाँ टेम्परली वो स्टोर रहता है तब तक जब तक कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पास आउट नहीं होता है अब जब फूड कहाँ आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में तो वहाँ पे आपके जो ग्लैंड्स हैं जैसे कि आपका पैंक्रियास और गाल ब्लैडर लीवर के द्वारा जो आपका क्या बनाया गया था बाइल बाइल जो है वो गाल ब्लेडर से अब कहाँ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में तो वहाँ पे क्या होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में अब क्या होगा ये जो बाइल है और आपका जो पैंक्रियाटिक जूस है और इसके साथ जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो फैट और आपके प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स को क्या करेंगे इनको सिंपलर वंस में कन्वर्ट कर देंगे आपका जो फैट होगा वो डाइजेस्ट किया जाएगा किसके द्वारा बाइल के द्वारा बाइल का काम क्या है फैट को डाइजेस्ट करना नाउ अब पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस से क्या होगा आपका जो और यहाँ इंटेस्टाइन के थ्रू भी इंटेस्टाइनल जूस भी सेक्रेट किया जाता है और ये सारे क्या करते हैं आपके जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट हैं उनको सिंपलर वंस में कन्वर्ट करते हैं आपका जो फैट होगा वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा फैटी एसिड्स में और प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड्स में और फैट कन्वर्ट कर दिया जाएगा ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट कर दिया जाएगा सिंपल सुगर्स में ठीक है अब क्या होगा तो जिनका डाइजेशन हो गया है अब उनको इंटेस्टाइन की वॉल्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा किसमें ब्लड वेसल्स में और इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे क्या एब्जॉपन इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एब्जॉपन ठीक है ना इंजेशन हमने पढ़ा था क्या हुआ था इनटेक ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी और डाइजेशन क्या होगा ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर वंस नेक्स्ट है आपका जब डाइजेशन हो गया आफ्टर दैट क्या होगा एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन में आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू क्या होता है जो डाइजेस्टेड uh, फूड होता है वो पास आउट हो जाता है किसमें ब्लड वेसल्स में इसी प्रोसेस को आप बोलते हैं एब्जॉर्प्शन आफ्टर एब्जॉर्प्शन डायजेस्टिड फूड ट्रांसपोर्ट बाया ब्लड बेस टू आल बॉडी पार्ट्स व्र दे आर यूज एंड यूज फॉर मेकिंग कॉम्पलेक्स सब्सटेंसेज लाइक प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी दिस प्रोसेस इज कार्ड एसीम्युलेशन इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है एसीम्यलेशन अब क्या होगा जो डाइजेस्टेड फूड था अनएब्जॉर्ब फूड था वो कहां जाएगा आपका वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में बट इससे पहले एक चीज और जानना आपको जरूरी है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं विलाई विलाई का काम क्या होता है सरफेस एरिया को बढ़ा देता है फूड के एब्जॉर्बन के लिए कैसे बढ़ाता है ये आपकी क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन है तो इसमें क्या पाए जाते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन्हीं को हम क्या बोलते हैं विलाई तो विलाई क्या करते हैं अगर हम कोई चीज एब्जॉर्ब करेंगे तो हमारा सरफेस ये होगा इतने ही सरफेस पे एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब हो पाएगा बट अभी क्या होगा अगर विलाई यहां पे होगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा अब यहां से भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है और यहां से भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है यानी कि एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ाने का काम क्या कर रहा है कौन कर रहा है विलाई और विलाई में ही बिल्कुल क्लोजली जो आपके ब्लड वेसल्स होते हैं इसके सरफेस से जस्ट अटैच रहते हैं जिससे कि आसानी से एब्जॉर्प्शन हो सके क्लियर नाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब food is passed into large intestine where water and salt is absorbed by the large intestine after that the waste is passes into rectum as a semi solid faces now these faces are uh, removed by the एनस दिस प्रोसेस इज कार्ड इजेशन दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो कितनी होगी वो होगी आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की 7.5 पॉइंट फाइव मीटर्स अबाउट सेवन पॉइंट फाइव मीटर्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन की कितनी होगी 1.5 पॉइंट और जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन होती है ये वाइड होती है किससे स्मॉल इंटेस्टाइन से बट लेंथ में शॉर्ट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है 7.5 मीटर और लार्ज इंटेस्टाइन की 1.5 मीटर क्लियर दिस इज All about the digestion in humans. Now, diarrhea. Diarrhea क्या है? A situation in which watery stool passes frequently. ये वो स्थिति होती है जिसमें क्या होता है जो patient होता है उसको watery stool जो है वो बार-बार आता है जिसकी वजह से उसकी body में excessive loss of water होता रहता है जिससे उसकी body में water and salt की कमी हो जाती है। अगर ये सिचुएशन ज़्यादा फैटल हो जाए ज़्यादा सीवियर uh, हो जाए तो ये फैटल भी हो सकती है जानलेवा भी हो सकती है इसलिए इसमें तुरंत क्योर की आवश्यकता होती है रीज़न क्या होते हैं ड्यू टू इन्फेक्शन इन्फेक्शन होने के कारण हो सकता है फूड पॉइजनिंग एंड इनडाइजेशन मतलब अपच की वजह से ये इसके रीजन्स हैं प्रिवेंशन क्या है पेशेंट शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ बॉयल्ड एंड कूल्ड वाटर जो पेशेंट होता है उसे हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी को गर्म करके और फिर ठंडा करके उसमें थोड़ा सा साल्ट और शुगर मिला के देना चाहिए इसी सॉल्यूशन को हम बोलते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इन शॉर्ट ओ आर एस